जेके फिजियो एंड रिहैब सेंटर, राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला फिजियोथेरेपी सेंटर। लकवा, कमर दर्द, नसों में खिंचाव जैसे रोगों का विश्वसनीय इलाज डॉक्टर पीयूष देवपुरा द्वारा। तो आज ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट। कॉल इट 9928221102। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप सिंह जी, जो कि एनएसयूआई से दावेदारी कर रहे हैं इस वर्ष। और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि इस वर्ष एनएसयूआई किसी और दूसरे प्रत्याशी पर आश्रित नहीं रहेगी, एबीवीपी से जो निराश प्रत्याशियों पर आश्रित नहीं रहेगी। ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो एबीवीपी से टिकट ना मिलने पर ये आश्वस्त मानते थे कि एनएसयूआई उन्हें सहारा दे देगी, पर इस वर्ष एनएसयूआई के पास तीन ऐसे बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ने में सक्षम है और जीत पाने में भी सक्षम है। उन्हीं में से एक बड़ा नाम संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पर स्वागत, अभिनंदन है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि विश्वविद्यालय में कब से आपका एनरोलमेंट है और अभी किस सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज को धन्यवाद देता हूँ, जो इस मेवाड़ की छात्र शक्ति के लिए इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में मैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का आर्ट्स कला महाविद्यालय का छात्र हूँ और 2018 का मेरा एनरोलमेंट है जी। तब से लेकर मैं कंटिन्यू विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा हूँ। कभी मैंने खुद को छात्र नेता के रूप में महसूस नहीं किया, या मैंने कभी किसी के सामने खुद को छात्र नेता की छवि के हिसाब से प्रदर्शित नहीं किया। हमेशा से एक आम छात्र की भांति मैंने कार्य किया है। उसके बाद में जब आज मेरे को 5-6 साल होने में आए हैं, तब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे संगठन की तरफ से भी और मेरे खुद की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, उनकी तरफ से जब मेरे को इस बात के लिए आगे बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करें इस मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के, इस मेवाड़ की छात्र शक्ति का, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर उदेड़ गुण चालू हुई। उसके बाद में मैं हमेशा से एक्टिव था, तो मुझे ज्यादा परेशानी इस चीज के लिए हुई नहीं और मैंने खुद को इस चीज के लिए तैयार किया। पर अचानक से एक नाम आपका तेजी से आपका आगे आया, इससे पहले कई नाम थे, जयव्रत सिंह भी एक नाम था जी। इस चीज को वे शायद किसी विषय में अभी अनुतीर्ण चल रहे हैं, उन्हें रिवेल के नतीजों का इंतजार है। अविनाश कुमावत भी एक नाम है और उनकी भी उम्र की कोई बाधा चल रही है। आप एक ऐसा नाम है जो अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल टाइटल क्लियर है आपका जी। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि एक नाम एकदम आया है, क्योंकि मैं संगठन में सक्रिय था। जो हमारे संगठन की जो भी जयपुर में मीटिंग होती है, संगठन में जो भी निर्णय देता है या धरातल पर, यह माना जाए कि नव नियुक्त जो जिलाध्यक्ष हुए अभी आपके जी, उन्होंने आपको कोई हरी झंडी दी हो जी? देखिए, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे बड़े भाई हैं और जो पुराने जिलाध्यक्ष जी थे वो भी हमारे बड़े भाई, क्योंकि हम संगठन में जो हर व्यक्ति जो हमसे आगे होता है हमारा बड़ा भाई है और हम परिवार के हिसाब से संगठन चलाते हैं। चलिए, अब एक बात बताएं कि मान लीजिए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, तो ऐसे क्या 5 मुद्दे रहेंगे जिन पर आप काम करना चाहते हैं? देखिये, सबसे पहले तो हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये मेवाड़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और मेवाड़ में जो विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेने वाले जो छात्र होते हैं वो सिर्फ ग्रामीण अंचल से आते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे ग्रामीण छात्र छात्र हमारे साथी भाई बहन जो आते हैं, उनको इस मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार से पहला कदम अंदर रखने के बाद हिजक नहीं महसूस ना हो, उनको मदद के लिए कोई ना कोई ऐसा आदमी हो जो खड़ा हो। और सबसे पहली बात, जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या अगर खड़ी होती तो वो रहती आवास का, कि रहेंगे कहाँ पे जी। दूसरी उनकी समस्या आती है कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, और सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो आते पहले कोई पीजी ले ले या फिर कोई दूसरा अपना अपने स्तर पे किसी, सबके यहाँ पे परिजन नहीं रहते हैं कि वो उनके वहाँ पे जाके रूम ले ले या करे। तो सबसे पहली समस्या मेरी यही है कि मैं कहीं ना कहीं इस मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में जितने प्रवेशित छात्र हैं उनके अनुपात में कहीं ना कहीं ऐसा व्यवस्था करके हॉस्टलों पर ध्यान दिया जाएगा कि छात्रों को रहने की समस्या से निजात मिल जाए। उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा अगर मेरा मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं अगर प्रवेश होता है तो मैं रहूंगा कहाँ पे जी, और उनके परिवार पे किसी प्रकार के अन्य कोई आर्थिक भार वहन नहीं करना पड़े, इस पे मेरा पहला फोकस रहेगा। दूसरी, जो मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र जो यहाँ पे प्रवेश लेके अपनी जो तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में जाके। बाहर की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज अलग अलग है, सुविधाओं के हिसाब से चार्ज लेते हैं, आप और मैं इन चीज़ से वाकिफ हैं। तो मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में एक सेंट्रल लाइब्रेरी चलती है, मैं उस लाइब्रेरी में, ये हर चुनाव में मुद्दा उठता है, इस चुनाव का नया नहीं, आने वाले कितने चुनाव मेरे से कितने पहले मेरे अग्रज थे, मेरे भाई थे, उन्होंने इसमें मुद्दा उठाया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन जैसे कोई इसमें विषय नहीं आया है। तो मेरा सबसे पहला, इस विषय में कैसे आश्वस्त करोगे कि आपके अग्रज भाइयों ने भी मुद्दा उठाया, वो उसे अमली जामा नहीं पहना पाया? सब आप उसे अमली जामा पहना पाओगे इस बात में? मैं सबसे पहले, देखिये, हमारी सबसे पहले तो मैं जिस संगठन से वास्ता रखता हूँ वो संगठन अपने आप में राजस्थान में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और उस संगठन का आप खुद देखते हो कितना प्रभाव है, उस संगठन के निर्णय किस प्रकार से हावी है आप खुद जानते हो। मेरा संगठन मेरे को
जिस प्रकार से मैंने संगठन से सीखा है, तो उस हिसाब से मैं धरातल पर मेहनत करूंगा। जो उच्च अधिकारी है उन सबको सूचित किया जाएगा और छात्र शक्ति का पूरा सहयोग लेके उस लाइब्रेरी को मतलब अमली जमा पहनाने में, जो डिजिटल का है, डिजिटल लाइब्रेरी सबसे मेन डिजिटल, और जो व्यवस्था है दूसरी प्राइवेट निजी लाइब्रेरी में होती है वो व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका समय की सबसे बड़ी समस्या होती है, और एक हो जाती है अवकाश की। दूसरी अपने प्राइवेट लाइब्रेरीज देखते हैं वो खुली रहती है 24/7, और हमारी इसमें जो छात्रों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहला प्रयास रहेगा कि लाइब्रेरी को 24/7 किया जाए। देखिए तीसरा मुद्दा है, विश्वविद्यालय में जो बहुत सारे छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपने RL वगैरह संबंधी जो इनके परिणामों में समस्या आती है। ये मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय के 4 संगठन महाविद्यालय इनका मुद्दा नहीं है, ये इस मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय से 168 जो संबद्ध महाविद्यालय उनका भी मुद्दा है। जो बाहरी छात्र हैं जैसे मेरे चित्तौड़ से हैं, मेरा गांव यहाँ से रावतभाटा, यहाँ से 290 किलोमीटर कुछ मेरे गांव की दूरी है, तो वहाँ का जो राणा प्रताप महाविद्यालय वो भी मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। अगर वहाँ के किसी विद्यार्थी को अगर अपने किसी भी प्रकार के परिणाम में कोई समस्या होती है, उसको असहजता होती है, तो उसको सीधा संपर्क मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के पीछे बने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। और 290 किलोमीटर आना और 290 किलोमीटर जाना कुल मिला के उसको 2 दिन देने पड़ेंगे अगर वो अपने निजी साधन से नहीं आता है तो। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद भी अगर उसका पूरा काम हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं पहला प्रयास ये करूँगा मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय अपने स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे ये फॉर्म वगैरह भरवाते हैं ई मित्र से, इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर ऐसा समाधान करके कुछ वेबसाइट तैयार की जाए जहाँ से आदमी अपने गांव से, अपने घर से ई मित्र से बैठ के फॉर्म भरे और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से स्कैनर कर दे। जी ये प्रयास रहेगा। चलिए चौथा मुद्दा और बताएं। उसके बाद में देखिए मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय में एक पहले जो रिक्शे चले थे वो हमारे तत्कालीन फॉर्मल वाइस चांसलर थे अमेरिका सिंह जी, उनके द्वारा उसको कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही उसको चालू करवाया गया था मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों को आवागमन में सहजता के लिए, क्योंकि 500 मीटर का कुछ डिस्टेंस पड़ता है अगर आपने देखे आर्ट्स कॉलेज से या यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन से देखे, क्योंकि प्रशासनिक भवन से ज़्यादा लोगों को काम पड़ता है। तो वो 1-2 महीने चले बंद हो गए थे, फिर उसके बाद में बहुत सारे हमारे बड़े भाई छात्र नेता थे उन्होंने भी ज्ञापन दिए हैं, तो वो चलते हैं 1-1.5-2 महीने चलते हैं, उसको अमली जमा पहनाते हैं, वो वापस बंद हो जाता है, अभी प्रेजेंट में बंद है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमियां हैं उनको निकाला जाएगा, और जो छात्र वो रिक्शा चलाएंगे उनको वापस सुचारू रूप से तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय में जो भी दूसरे कॉलेज से आते हैं जैसे MBA साइंस से आए या MBA कॉमर्स से आए, तो जो छात्र अपने निजी साधन से आते हैं वो तो आराम से प्रशासनिक भवन पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आधे से ज़्यादा 60-70% टेम्पो वगैरह में या सिटी बस में आते हैं, तो उनके लिए वो एकमात्र साधन है। तो उसको कंटिन्यू सुचारू कैसे किया जाए उस पर फोकस किया जाएगा। जी और मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय में हॉस्टल की बात होगी है, उसके बाद में छात्रों के लिए जो अपने सीटें हैं और इसका ढांचा जो है वो जो पहले जिस रूप में था, सीटें नहीं बढ़ाई गई थी उससे पहले का ढांचा है। वर्तमान में हर कॉलेज के पास बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंगें बनी है, किसी कॉलेज में जरूर नई बिल्डिंगें बनी है, लो कॉलेज में नई ब्लॉक बनाए उसमें ए ब्लॉक बी ब्लॉक चलते हैं, दूसरे बहुत सारे MBA कॉलेज हैं उनमें समस्या है इस चीज़ के, उनके पास ढांचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे कि मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय में बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं कि हमारे पास सीटें नहीं है, या फिर सीटें जब उन्हें बढ़ाने के लिए बोला जाता है तो उनको बोला जाता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, बढ़ा नहीं सकते, तो उस पर फोकस किया जाएगा। जी तो ये तो थे 5 काम जो आपने बताया कि भाई आप इन मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं। अब एक बात बताएं कि मौजूदा जो अध्यक्ष हैं जी, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और उनके कार्यकाल को क्या अच्छा कार्यकाल मानते हैं क्या? जी देखिए मैं मेरे निजी तौर पर अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बताया जाऊँ तो मैं किसी पे आर्गुमेंट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गिरेबान में देख के ज्यादा पसंद करता हूँ, या किसी पे उंगली उठाता हूँ। छात्र होने के नाते आप आपके अध्यक्ष के कार्यकाल से खुश हैं या नहीं, आपको इन्हें से प्रत्यक्ष होने के नाते नहीं बताना, छात्र होने के नाते बताना। देखिए वो सबका अपना निजी मामला है, 2017 में भी ABP का कैंडिडेट था, 2018 में भी ABP का कैंडिडेट है, उसके बाद 19 में भी ABP का कैंडिडेट था और 22 में भी ABP का कैंडिडेट है। कंटिन्यू 4 साल से मोहनलाल छोकड़िया विश्वविद्यालय ने और इनके छात्रों ने इस ABP को इतना कुछ दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि 2017 से लेकर और 2022 तक आपका कैंडिडेट है, कोई एक ऐसा आप निर्णय या आपके द्वारा कोई ऐसा किया हुआ मेरे को कार्य बता दीजिए जिसके हिसाब से आप 2023 का चुनाव लड़ेंगे। जी ऐसा कोई आपका कार्य हो तो आज चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि क्या ABP के जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने चैनल से खुले मन से पूछा है कि 2023 के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे और 4 साल जब लगातार आपके प्रेसिडेंट रहे तो आपने जो वादे किए थे वह कंप्लीट कर पाए क्या, ऐसा एक वादा बताएं साथ में जो अभी तक उनका 2017 से अब तक चलता आ रहा हो। देखिए लाइब्रेरी का मुद्दा है, हर बार उसमें वो कुछ तोड़ मरोड़ के सभी प्रत्याशी किसी में छात्र संघ अध्यक्ष पद की हर पैनल में कुछ ना कुछ प्रयास रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्वलंत मुद्दा है,
छात्रों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें तोड़ मरोड़ के अपनी तरफ से कुछ 19-20 करके उसको वो पेश कर देते, परोस देते हैं, मसाला लगा के परोस देते हैं। बात की जाए अगर विश्वविद्यालय में छात्रों की, हमारी जो बहनें होती हैं उनकी सुरक्षा की, तो अभी एबीपी के द्वारा जो जोधपुर में जो किया गया है वो ना तो आपसे छुपा है ना मेरे से छुपा हुआ है, और ये यात्रा निकाल रहे न्याय यात्रा करौली से लेकर जयपुर। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि आप न्याय यात्रा जोधपुर से लेकर ब्यावर के बीच में निकालिए, वहाँ पे ज्यादा जरूरत है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन ओपन